नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख सकते हो एक एम्पलीफायर लेके आया। आप लोगों का प्यारा एम्पलीफायर है, ये डायनाटेक सीरीज़ का मतलब एम्पलीफायर है, डायनाटेक भी सीरीज़ का। इसका मॉडल नंबर है डायनाटेक V7000। तो दोस्तों, यहाँ का जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर मतलब नया मॉडल में इस टाइप का मतलब दिया हुआ है, ठीक है। हर एक चैनल के लिए दोस्तों एक मतलब लिमिटर का स्विच वो भी सामने दे के रखा है फ्रंट पे, तो देख सकते हो, ठीक है। और इसका जो मतलब नॉब का क्वालिटी है दोस्तों, नॉब यानी रेगुलेटर सिस्टम है, ठीक है। मैंने 1 2 3 4 करके इस टाइप का मतलब अप डाउन होता है दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों इस एम्पलीफायर का स्पेसिफिकेशन के बारे में, थोड़ा बहुत बात करेंगे इसका जो स्पेसिफिकेशन है दोस्तों। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर 8 ohms पे देता है 1400 watt, 4 ohms पे देता है 2400 watt और 2 ohms पे देता है दोस्तों 3000 watt, ठीक है दोस्तों। तो इस एम्पलीफायर को मतलब 1200 वाट का मतलब 4 स्पीकर चला सकते हो, या 1500 वाट का 2 स्पीकर चला सकते हो, ठीक है दोस्तों। इस टाइप का कैलकुलेशन हो जाता है, यानी 500 वाट का आप मतलब 8 8 स्पीकर, मैंने एक चैनल पे 4 स्पीकर, दूसरा चैनल पे 4 स्पीकर, या 600 वाट का भी 4 स्पीकर एक चैनल पे, दूसरा चैनल पे 4 स्पीकर, ठीक है, 2 ohms पर लोड पर आराम से चला सकते हो दोस्तों। तो एम्पलीफायर में कुछ यहाँ पे देके रखा है, देख सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, मॉडल नंबर देके रखा है, ठीक है। पावर कंज्यूमेशन मतलब कितना है वो भी देके रखा है, पावर कितना कंज्यूम करता है, ठीक है, वो भी देके रखा है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो, इस टाइप का इन्फॉर्मेशन, इस टाइप का चीज़ आप लोग फॉलो करोगे तो डुप्लीकेट से आप लोग बच जाओगे, यानी मार्केट में डुप्लीकेट तो आ गया दोस्तों। तो दोस्तों ये एम्पलीफायर का जो मतलब अंदर का जो ट्रांसफार्मर है, टोराइडल ट्रांसफार्मर है, आप लोगों को मालूम है। और बाकी यहाँ पे जो इसका स्क्रू है वो एम्पलीफायर का बॉडी के साथ एकदम अटैच हो जाता है। और बाकी यहाँ पे डायनाटेक एक मतलब CNC कटिंग पे किया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो एम्पलीफायर है मतलब बेस का पंच दोस्तों जबरदस्त आता है। तो दोस्तों पीछे आ गया, पीछे देखते, पीछे एक फैन देके रखा है दोस्तों। इस फैन के अंदर कुछ इस टाइप का इंफॉर्मेशन है। और बाकी दोस्तों यहाँ पे मतलब सबवूफर या नॉर्मल है दोनों, मतलब आप जिस मूड पे चलाना चाहते हो उसको मतलब उसकी तरफ कीजिए। ये नॉर्मल पे था इसलिए नॉर्मल पे इसको रहने देते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए दिया होता है, ठीक है, चैनल ए चैनल बी के लिए, तो ना हर चैनल के लिए अलग अलग मतलब चीज़ दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग जो है इसका जो गेन बोल सकते हो मैंने फ्रीक्वेंसी का, वो पीछे दिया हुआ है। बाकी इनपुट के लिए, ठीक है, इनपुट बैलेंस के लिए बैलेंस इनपुट आप लोग यहाँ से कर सकते हो। ये जो मेड इन है ना, मेड इन ताइवान है, ताइवान मतलब ये भी डायनेटिक को मतलब वो करता है, मेड करता है दोस्तों। तो इसको स्टीरियो ब्रिज वो पैरालल अपनी मर्जी से आप लोग इसको रन करवा सकते हो दोस्तों। बाकी प्रेस टू रिसेट हर एम्पलीफायर में दिया रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर एम्पलीफायर में। मैंने इसका मतलब मैंने पहले हर वीडियो में बताता रहता हूँ, लोड कैपेसिटी एम्पलीफायर का जितना लोड कैपेसिटी है दोस्तों, उससे अधिक दे दोगे तो वो बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो इसको लोड कम करके थोड़ा चलाइए, ठीक है, ज़बरदस्त चलेगा। ओम मैचिंग और वाट मैचिंग जरूरी होता है दोस्तों एक एम्पलीफायर को मतलब ऑपरेट करने के लिए। यानी गेन सेट करने के लिए दिया हुआ है, यानी 0.775 वोल्ट, 32 वोल्ट, 32 dB एंड साइड पे दिया हुआ है। आप लोग यानी 0.77 पे रख के मिक्सर से ऑपरेट कीजिए। बाकी स्पीक ऑन कनेक्शन दे के रखा है चैनल 1 चैनल 2 के लिए। स्पीक ऑन कनेक्शन +1 -1 में करना होता है दोस्तों। और बाकी दोस्तों इसका जो वायर जोड़ के, यानी वायर जोड़ के भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। यानी ब्रिज मोड पे जब आपको मतलब करना है, ऑपरेट करना है, तो दोनों रेड रेड पे ही आपको दोनों रेड पे ही चलाना है, ठीक है। दोनों रेड पे आप लोग इसको वायर जोड़ के चलाइए, ठीक है दोस्तों। बाकी इसका जो पावर केबल है, पावर केबल का भी क्वालिटी मतलब खास लगा, मतलब ठीक ठाक है, ठीक है। सीरियल नंबर भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो बाकी ओवरऑल एम्पलीफायर ज़बरदस्त है। बेस का पंच दोस्तों मतलब दिल खुश कर देता है। इसका बेस जिसके पास एम्पलीफायर है उसको तो मालूम है, डायनाटेक तो एक जाना माना कंपनी है दोस्तों। यानी मार्केट में इसका मार्केट तो मतलब बहुत अच्छा है, इस टाइप का माना जाता है। मैं खुद इसको मतलब इसका पंच मैंने फील किया सच में यार। 1200 वाट का 4 स्पीकर चला रहा था, 4.5 इंच वॉइस कॉइल वाला 4 स्पीकर चल रहा था, 18 इंच का ड्यूएल वाला 2 बेस चल रहा था, तो बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा कि ये एम्पलीफायर के बारे में आप लोगों को थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। आप लोगों को मालूम है बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। तो दोस्तों अभी बात करेंगे दोस्तों इसका प्राइस के बारे में। प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अभी का प्राइस दोस्तों 48,000 यानी 48,000 से लेके 51,000 के अंदर आपको कहीं पे भी मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डीजे से हर वीडियो आपको मिलते रहेंगे।